श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी। श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी। जो भी सुने गाथा कल्याण हो उसी का, कहते हैं जग के ज्ञानी। श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी। गणपति की है कहानी देवा की है कहानी। श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी। गणपति महाराज की जय हो। आइए भक्तों, गणपति बप्पा के जन्म की कथा सुनते हैं। श्रद्धा से सुनिएगा, आइए सुनते हैं। शक्ति से पार्वती ने एक गण किया था पैदा, करता था पहरेदारी माता की जो हमेशा। एक दिन जो भोले आए चाहा के जाऊं भीतर, बालक ने उनको रोका। शिव जी को टोकने पर, भोले को रोकने पर गर्दन पड़ी कटाने। श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी। गणपति की है कहानी देवा की है कहानी। श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी। गणपति महाराज की जय हो। माँ पार्वती अपने पुत्र की हालत देखकर क्रोधित हो जाती हैं और क्या कहती हैं सुनिए। माँ पार्वती ने देखी जो पुत्र की ये हालत, विचलित हुआ मन उनका, तो वो उठी हो क्रोधित। सृष्टि विनाश करने का माँ ने सोचा मन में, आया प्रलय कुछ ऐसा। फिर भक्त त्रिभुवन में देवता सारे थर्राए, कांपे ऋषि मुनि जन भी, विचलित हुए सब प्राणी। श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी। गणपति की है कहानी देवा की है कहानी। श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी। बाद ब्रह्मा जी के संग सारे देवगण शिव जी के पास आए और कहने लगे, माँ गौरा के क्रोध को किस तरह से शांत किया जाए। ब्रह्मा जी के संग देवगण शिव जी के पास आए, विपदा सुना के सारे सब शीश थे झुकाए। शिव बोले, जाओ जाकर गौरा को सब मनाओ, मांगो क्षमा तुम उनसे और शांत उन्हें कराओ। प्रलय तभी रुकेगी क्रोध उनका जब थमेगा, है क्रोध में महारानी। श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी। गणपति की है कहानी देवा की है कहानी। श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी। और उसके बाद सभी देवगण ने माँ गौरा से क्षमा मांगी, अनुनय विनय किया। उसके बाद देखिए क्या होता है, आइए सुनते हैं भक्तों। कर जोड़ देवगण ने माता से क्षमा मांगी, करुणामयी अम्बे ने उनको क्षमा तो दे दी। पर तीन शर्तें रखी देवा से फिर शिवा ने, जीवित हो पुत्र मेरा और प्रथम पदवी पाए। उसकी प्रथम हो पूजा, शिव माने उसको बेटा, कहने लगी शिवानी। श्री गणपति की गाथा देवा
कहने लगे कि जाओ उत्तर दिशा में और जो भी पहला प्राणी दिखे उसका सर लेकर आओ। आइए पहले दिखे जो प्राणी सर उसका लेके आओ। उत्तर दिशा में हथिनी वो सोते उसने देखा, हथिनी के साथ सोया था उसका छोटा बच्चा। बच्चे के सिर को काटा और लेकर आए देवता। खुश हो गए शिवदानी, खुश हो गए शिवानी, देवा की है कहानी। श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी। गणपति की है कहानी देवा की है कहानी। श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी। और गौरा लल्लन के तन पर जब गज का शीश रखा गया तब क्या हुआ यह देखते हैं। आइए भक्तों। गौरा लला के तन पर जब गज का शीश रखा, शिव मंत्रों की शक्ति से तब प्राण उसमें आया। शिव ने गणेश कहकर उसका किया नामांकन। भोले के गणाध्यक्ष है मेरा ललन गजानन। सुन लो ये मेरी वाणी, सच है ऋषियों की ये जुबानी। श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी। गणपति की है कहानी देवा की है कहानी। श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी। गणपति बप्पा मोरिया। आइए क्यों गणपति का नाम प्रथम होता है सुनते हैं। श्रद्धा पूर्वक सुनिए। है जानता ये त्रिभुवन है आदि देव गजानन। भगवान गणपति का होता प्रथम है पूजन। मंगल हो काज कोई, पूजा हो पहले इनकी, फिर बाद में उसके सारे स्तुति हो देवों की। पहले फिर औरों का आवाहन, यह रीति है पुरानी। श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी। गणपति की है कहानी देवा की है कहानी। श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी। माँ गौरा का ये प्यारा लल्ला बड़ा कृपालु है, बड़ा दयालु है। तो आइए सुनते हैं आगे क्या होता है। शिव पार्वती का लल्ला ये बड़ा है कृपालु, करता दया है सब पर ये है बड़ा दयालु। यह लंबे अदर वाला है लड्डुओं का प्रेमी, लेता है भोग में ये मोदक से भरी थाली। जो भोग मोदक ही लेके आए, सुन ले हर एक प्राणी। श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी। गणपति की है कहानी देवा की है कहानी। श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी। गणपति बप्पा बड़े खूबसूरत, बड़े अच्छे लगते हैं। जब सिंगार, माथे पर मुकुट और गर्दन में रत्नों की माला हो। माथे मुकुट है इसके, गर्दन में रखना माला। सुमुख है ये गजानन, लगता है भोला भाला। लंबा उदर है इसका और कान भी बड़े हैं। एक दंती है चतुर्भुज, ये सब ही जानते हैं। कितनी है प्यार
की है कहानी, गणपति की है कहानी, देवा की है कहानी। श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी। और एक बार गणपति जी ने अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए ये साबित कर दिया, वो बुद्धि के भी देवता हैं। तो आइए, कार्तिके बोले पहले मैं ब्याह रचाऊंगा, देवा ने कहा पहले मैं फेरे लगाऊंगा। शिव बोले सबसे पहले करनी हो जिसको शादी, करके परिक्रमा वो घूमाए सारी पृथ्वी। कार्तिके मोर ले आकर हो गए सवार उस पर, उड़ने की दिल मिठानी। श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी, गणपति की है कहानी, देवा की है कहानी। श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी। गणपति महाराज ने बड़ी ही चालाकी से पृथ्वी के चक्कर लगाए बिना शिव और पार्वती के चक्कर लगा लिए, और इस तरह वो जीत गए। कार्तिके और चले जब कुछ दूर जाके पहुँचे, श्री गणपति भी अपने उठ गए स्थान से। जब माता पिता को आदर से आपने बिठाया, प्रणाम करके उनको चक्कर भी एक लगाया। कर ले शर्त पूरी पहले रचाई शादी, कमाई बुद्धिमानी। श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी, गणपति की है कहानी, देवा की है कहानी। श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी। और एक बार गणपति जी बहुत नाराज हो गए, चंद्र जी के उस कटाक्ष से क्रोधित हो गए, और देखिए उसके बाद क्या होता है। लंबा उधर जो देखा तो चंद्र हंस के बोला, क्या खूब तोंद पाई है तुमने ए गणेश। सुनकर ये बात उसकी क्रोधित हुए गजानन, फिर दे दिया शशि को देवा ने शाप। फौरन शाप ऐसा रंग लाया, हो गई मलिन वो काया, रंगत पड़ी गवानी। श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी, गणपति की है कहानी, देवा की है कहानी। श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी। गणपति बप्पा बहुत ही दयालु हैं। कहते हैं उनके द्वार पर जाने वाला हर भक्त कुछ ना कुछ पाकर ही आता है। आइए, आते हैं मांगने जो श्री गणपति के द्वारे, कर देते हैं गजानन उन सब के वारे न्यारे। दर से कोई भी उनके जाता नहीं है खाली, मन की मुराद लेकर आता है हर सवाली। रिद्धि सिद्धि के दाता करते हैं सब पे कृपा, देवा बड़े हैं दानी। श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी, गणपति की है कहानी, देवा की है कहानी। श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी। Thank you.
कहते हैं कि गणपति बप्पा की जो मन से भाव से सेवा करते हैं, कहते हैं उसके हर कष्ट गणपति बप्पा दूर कर देते हैं। दिन रात गणपति की करते हैं जो भी सेवा, खाते हैं वो हमेशा मिष्ठान और मेवा, सब मंगल कार्य उनके करते हैं देवा पूरन, सुख में गुजारते हैं वो भक्त अपना जीवन, आते ना उन पे संकट दूर करते कष्ट गणपत, होती ना उनको हानि, श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी, गणपति की है कहानी देवा की है कहानी, श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी। बोलिए गणपति महाराज की जय, और आइए सभी भक्त गणपति जी के चरणों में नतमस्तक होकर प्रार्थना करें। हे उमा पुत्र देवा, करते रहेंगे हम सब आजीवन तेरी पूजा,